कोनिचिया मिनासान, ओहायो जापानीज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चुमकी और आज हम जानेंगे लेसन 13 के वोकैबुलरीज के प्रोनाउंसिएशंस और उनसे बनने वाले एग्जांपल सेंटेंसेस। तो आइए शुरू करते हैं। पहला वोकैबुलरी असोबिमास। असोबिमास एंजॉय वनसेल्फ प्ले, तो एंजॉय करने को भी बोलते हैं असोबिमास और खेलने को भी बोलते हैं असोबिमास। एग्जांपल सेंटेंस है वाताशी ताची वा माई नीची सोको दे असोबिमास, हम रोज वहां खेलते हैं। ओयोगी मास, ओयोगी मास स्विम तैरना। किनो कावा दे ओयोगी माश्ता, कल मैंने नदी में तैरा। मुकाएमास, मुकाएमास गो टू मीट वेलकम टू रिसीव, तो किसी को मिलने जाना या फिर किसी को लेने जाना, किसी को वेलकम करना, ठीक है, इनको बोलते हैं मुकाएमास। वताशी वा इमोतो सान ओ मुकाए नी एकिए इकिमास, तो यहाँ पे मुकाएमास मास फॉर्म में नहीं है, ये मुकाएमास का ही एक और फॉर्म है। तो इसका मतलब है मैं मेरी बहन को लेने के लिए स्टेशन जाऊंगा। चुकारे मास, चुकारे मास गेट टायर्ड, थक जाना। चुकारे मास तका, इसका मतलब है आर यू टायर्ड, क्या आप थक गए हैं। दाशिमास, दाशिमास सबमिट और सेंड। तेगामी ओ दाशिमास, तेगामी ओ दाशिमास सेंड अ लेटर, कुछ सबमिट करना या फिर लेटर वगैरह सेंड करना, इसके लिए हम यूज करते हैं दाशिमास। जैसे शुकुदाय ओ दाशिते कुदासाई, मतलब प्लीज अपना होमवर्क सबमिट करें। तो यहाँ अगर तेगामी ओ दाशिमास बोलते हैं तो इसका मतलब हो जाता है सेंड, और शुकुदाय ओ दाशिमास बोलते हैं तो सबमिट, ठीक है। नेक्स्ट हायरीमास, हायरीमास एंटर। किस्सा तैन नी हायरीमास, किस्सा तैन नी हायरीमास to enter a coffee shop, मतलब किसी भी एक प्लेस के अंदर जाना। दारेगा सोनो है यानी हायरीमास ताका, उस कमरे के अंदर कौन गया था। देमास, देमास गो आउट। किस्सा तैन ओ देमास, किस्सा तैन ओ देमास गो आउट ऑफ अ कॉफी शॉप। तो हायरीमास का उल्टा होता है देमास, मतलब किसी एक प्लेस से बाहर निकलना, ठीक है। गोगो रोकुजी नी काइशा ओ देमास, मतलब मैं शाम को 6 बजे ऑफिस से निकलता हूँ। कैकोन शिमास, कैकोन शिमास गेट मैरिड, शादी करना। सिर्फ कैकोन का मतलब है शादी, कैकोन शिमास वर्ब हो जाता है, सो शादी करना। एग्जाम्पल कानोजो वा शिचिगात्सु नी कैकोन शिमास, वो जुलाई में शादी करेगी। काइमोनो शिमास, काइमोनो शिमास डू शॉपिंग, तो यहाँ भी काइमोनो शिमास का मतलब होता है शॉपिंग करना, और सिर्फ काइमोनो का मतलब होता है शॉपिंग नाउन, और जब शिमास आ जाता है तो इसका मतलब हो जाता है वर्ब, ठीक है। इश्शो नी काइमोनो शिमास एन का, तो ये एक इन्विटेशन है जिसका मतलब है क्या आप साथ में शॉपिंग करना चाहेंगे। नेक्स्ट शोकुजी शिमास, शोकुजी शिमास हैव अ मील, तो भोजन करना। शोकुजी का मतलब होता है भोजन, शोकुजी शिमास मतलब भोजन करना। कौन बान काजोकु तो इश्योनी शोकुजी शिमास, आज रात फैमिली के साथ भोजन करेंगे। सांपो शिमास, सांपो शिमास गो फॉर अ वॉक, टहलने जाना या फिर सैर पे जाना। कोवेन ओ सांपो शिमास, कोवेन ओ सांपो शिमास, तो जनरली इंग्लिश या हिंदी में हम बोलते हैं कि पार्क में टहलना, इंग्लिश में होता है गो फॉर वॉक इन अ पार्क, तो इनके लिए जनरली हम नी पार्टिकल का यूज करते हैं, लेकिन सांपो शिमास के लिए हम ओ पार्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। कोवेन ओ सांपो शिमास मतलब पार्क में टहलना, मिची ओ सांपो शिमास मतलब सड़क में टहलना, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल वताशी वा माई आसा कोवेन ओ सांपो शिमास, मैं हर सुबह पार्क में टहलती हूँ। ताई हैन ना हार्ड और टफ, और ग्रेटली बहुत ज्यादा टफ या फिर बहुत ज्यादा
कुछ बताने के लिए हम यूज करते हैं ताई हैन, जो कि एक ना एडजेक्टिव है, इसीलिए ताई हैन ना। फॉर एग्जाम्पल, चिची वा इमा ताई हैन इसोगाशी देस। चिची यानी माई फादर इज वेरी बिजी नाउ, अभी मेरे पिताजी बहुत बिजी हैं। तो यहाँ बहुत के लिए ताई हैन का यूज किया गया है। नेक्स्ट, होशी, होशी, वांट समथिंग, किसी भी चीज को चाहना। चॉकलेट तो केक युवा होशी कुनाई देस, मुझे चॉकलेट केक नहीं चाहिए। साबिशी, साबिशी, लोनली मतलब अकेलापन, जो फीलिंग होता है उसको बोलते हैं साबिशी। एक होता है अकेला, जिसके लिए होता है हितोरी। साइकिन तो तेमो साबिशी देस, इन दिनों बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। हीरोई, हीरोई, वाइड और स्पेसियस मतलब चौड़ी, तो बड़ी जगह को बोलते हैं हीरोई। कोनो ये वा तोतेमो हीरोई देस, ये कमरा बहुत बड़ा है। नेक्स्ट, सेमाई, सेमाई, नैरो और स्मॉल, तो अगर किसी सड़क या किसी चीज की बात कर रहे हैं उसके लिए हम बोलते हैं नैरो यानी संकरी। अगर कमरे वगैरह की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब छोटा। फॉर एग्जाम्पल, आरे वा सेमाई मिची देशता, वो रोड सक्री था। नेक्स्ट, शी याकुशो म्यूनिसिपल ऑफिस और सिटी हॉल। शी याकुशो वा दोकोनी आरिमास का, म्यूनिसिपल ऑफिस कहाँ पर है। पूरु, पूरु स्विमिंग पूल, वताशी नो गाकोनी वा पूरु गा आरिमास, मेरे स्कूल में एक स्विमिंग पूल है। कावा, कावा, रिवर, कोनो कावा नो मिजु वा तोतेमो किरेई देस, इस नदी का पानी बहुत साफ है। केइजाई, केइजाई, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था। इंदो नो केइजाई वा ओ किकु सेइचो शिमाशिता, इंडिया का इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो किया है। बिजुत्सु, बिजुत्सु, फाइन आर्ट, वताशी वा गाक्को दे बिजुत्सु ओ बेंक्यो शिमाशिता, मैंने स्कूल में फाइन आर्ट पढ़ा था। चुरी, चुरी, फिशिंग, तो चुरी अकेला है तो नाउन है, लेकिन अगर चुरी शिमास बोल देते हैं तो उसका मतलब है फिशिंग करना। ठीक है, कारे वा चुरी गा सुकी देस, उसे फिशिंग अच्छा लगता है। सुकी, सुकी मतलब स्कीइंग, वताशी वा स्की गा देकी मसेन, मुझे स्की नहीं आता। काईगी, काईगी मीटिंग और कॉन्फ्रेंस, काईगी गा योजिनी वारिमाश्ता, मीटिंग 4 बजे खत्म हुई थी। तोड़ोकु, तोड़ोकु रजिस्ट्रेशन, साक्का नी तोड़ोकु शिमाश्ता का, साक्का मतलब सॉकर या फिर फुटबॉल, क्या तुमने सॉकर के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया। नेक्स्ट, शुमात्सु, शुमात्सु वीकेंड, कोनो शुमात्सु वा हिमा देस का, क्या इस वीकेंड तुम फ्री हो। नानी नानी गोरो, नानी नानी गोरो, अबाउट सम टाइम, ओके कोई टाइम होगा और उसके बाद गोरो आएगा मतलब लगभग वो टाइम। ठीक है, जैसे कानोजो वा सांजी गोरो नी किमाश्ता, वो अराउंड 3 बजे आई। नानी का, नानी का समथिंग, नानी का नोमी मोनोवा अरिमास का, कुछ पीने के लिए है क्या। दोको का, दोको का समवेयर या फिर सम प्लेस। फॉर एग्जांपल, रियोको दे दोको का ए इकिताई देस, मुझे घूमने के लिए किसी जगह जाना है या फिर मैं कहीं घूमने जाना चाहती हूँ। नेक्स्ट, ओनाका गा सुकीमाश्ता, ओनाका गा सुकीमाश्ता, तो ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है आई एम हंग्री। ओनाका मतलब पेट, ठीक है, पूरा फ्रेज है ओनाका गा सुकीमाश्ता मतलब आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। नेक्स्ट, ओनाका गा इप्पाई देस, ओनाका गा इप्पाई देस, तो इस फ्रेज का मतलब होता है आई एम फुल, मेरा पेट भरा हुआ है। नेक्स्ट, नोदोगा कावाकीमाश्ता, नोदोगा कावाकीमाश्ता, सो नोदो का मतलब होता है थ्रोट यानी गला। नोदो का कावा की माश्ता मतलब आई एम थर्स्टी।
मुझे प्यास लगी है। नेक्स्ट फ्रेज है सो देसने, सो देसने। आई एग्री विथ यू, मतलब मैं तुमसे सहमत हूँ। किसी ने कुछ बोला है और आप भी सेम वैसा ही फील करते हो तो आप बोलते हो सो देसने। नेक्स्ट सो शिमाशो, सो शिमाशो। लेट्स डू दैट, तो ये है किसी ने कुछ करने का सजेशन दिया है तो तुम बोलते हो ठीक है चलो करते हैं, इसको बोलते हैं सो शिमाशो। नेक्स्ट तेईशोकु, तेईशोकु मतलब सेट मील, जो हमारे यहाँ इंडिया में थाली बोलते हैं ना, जहाँ हर चीज होता है, एक प्रॉपर फूड होता है, उसको बोलते हैं जैपनीज में तेईशोकु। एग्जाम्पल तेईशोकु वा इकुरा देस का, थाली कितने का है या फिर सेट मील कितने का है। बेत्सु बेत्सुनी, बेत्सु बेत्सुनी मतलब सेपरेटली अलग अलग। ओकाने ओ बेत्सु बेत्सुनी हराइमास, मतलब हम अलग अलग पे करेंगे। किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, दो लोग हैं चार लोग हैं, सबको अगर अलग अलग पे करना है तो बोल सकते हैं बेत्सु बेत्सुनी हराइमास। तो यहाँ पर लेसन 13 के वोकैबुलरीज खत्म होते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग ओहायो जैपनीज को प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो इन वोकैब्स को प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।